कमेटी के जितने भी छोटे सदस्य हैं, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिल से सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। अरे बल्लेबाज नेम मोनू भाई और समय तो जुड़िए और एक और शानदार मैच का मजा लीजिए। नुमान एंड कंपनी में देख सकते हैं बुमराह, सनी, ज्ञानेश्वर, अनस, प्रफुल्ल, अहमद, राजकुमार, राहुल कोबरा और शल्लू सैलेंदर। नहीं है भाई, नहीं है सर इरशाद आलम जी, नहीं है। नुमान एंड कंपनी का मैच गाजीपुर यूपी के नाम से खेल रहे हैं और JBCC बहुता से खेला जाएगा, जिसमें मोनू मास्टर, नवीन तेंदुलकर, मोनू सेकंड, राजेश गांगुली जैसे प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। हेलो और ये मैच छत्तीसगढ़ की होगी और अगर बहुता के कप्तान राजेश भैया, बड़े भैया अगर और विलंब करते हैं तो और ओवर काटा जाएगा। ये मैच 6 ओवर की होगी। दर्शक बंधु ग्राउंड से बाहर हो जाए, मैच मैच 6 ओवर का होगा, 6 ओवर, 3 बॉलर, 2-2 ओवर। जल्दी करे फाइनल में आती होगा, ठीक है। चलिए आते हुआ फाइनल में आते हुआ होगा, जल्दी करे। देखना इस समय दोनों साल में बल्लेबाज मनुष्य सत्यम स्टार बल्लेबाज की तरफ से मैच को स्टार्ट किया जाए। जल्दी अरे कौन प्लेयर बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है। एक जबरदस्त मैच देखा भी आपने, डिक्की 11 सलेमपुर देवरिया का शानदार मैच था।
बहुत बड़ी टीम को चेस किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट की दावेदारों में शामिल तो गेंद फेंकवाए जल्दी करें पौड़ी में अपना कारनामा ये भी मैं चार का कवर का होगा फटाफट क्रिकेट मजा लीजिए खेल का और अगर ये 4 बजे मैच फाइनल मैच भी 8 कवर का होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो मैच को स्टार्ट किया जाए और इस समय आप लोग सब साथ रहे दुआ किए और मैच जीत गए बुमराह के एक्शन के बारे में क्या कहेंगे कुछ टाढ़ा एक्शन है बुमराह का क्या कहना चाहेंगे बुमराह के बारे में जल्दी करें ठीक है जल्दी करें ज्ञानेश्वर इस समय गेंदबाज ज्ञानेश्वर बहुत ही बेहतरीन ज्ञानेश्वर सहनशीलता प्लेयर जो इस समय कमेटी में जिला पंचायत सदस्य माननीय रामविलास जी आदरणीय बड़े भैया तुषार श्रीवास्तव जी साहब राजेश वर्मा जी ग्राम प्रधान मैच का लिस्ट बताते हुए और सर लाइव स्कोरिंग कर रहा है ज्ञानेश्वर हल्कर के कर्मों से लाइव स्कोरिंग चल रही है मानु सिंह के लिए और वहाँ पे आप लोग मैं बता दूं कि विकेट के पीछे नुमान खान को देख सकते हैं जर्सी नंबर 10 में मुंबई इंडियंस की तरफ से 2008 में 25 लाख में चुने गए थे आईपीएल प्लेयर नुमान खान इस समय विकेट के पीछे क्रिकेट दुनिया का बेताज बादशाह लंबे कद के प्लेयर नुमान खान और इस समय गाजीपुर के ज्ञानेश्वर अनस बुमराह भी है जो मैं बता दूं कि और लगा पे देख सकते हैं कोबरा राहुल कोबरा शैलेंद्र गाजीपुर हल्कल के कदमों से ज्ञानेश्वर सत्यम के लिए और सत्यम वहां पर माना चाहते थे तो इस तरह से एक रन खाता खुलता हुआ बहुता का और डीजे गोलू जो भी है सभी लोग उतर रहेंगे हाथे के तरफ जो पहला सेमीफाइनल हुआ था बहुत ही रोमांच मच में देवरिया ने बलिया को हरा कर पहले फाइनल फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित कर चुकी है और इस समय मनु हेलीकॉप्टर की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज मनु सिंह काफी मैच खेल चुके हैं इस पिच पे और वहां पे फुल टॉस गेंद थी तो इस तरह से रनों में भी कोई इजाफा नहीं स्कोर अभी भी रुका हुआ एक रन बिना किसी नुकसान के और इस समय नुमान भाई देख सकते दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यह मैच 8 ओवर का खेला जा रहा है 4 बॉल करेंगे 2 ओवर करके 4 बॉलर ज्ञानेश्वर हल्का के कदमों से मनु के लिए और वहां पे बैट का धुरनी किनारा लेकर नीचे सारी जब तक गेंद को फील्ड करे दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक रन लेने का इस तरह से मनु सिंह का खाता खुलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के जो सीजन 10 का दूसरा सेमीफाइनल 8 अक्टूबर का खेला जा रही समय टेंट के पास देख सकते अहमद बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है तो काफी बेहतरीन समय मैच चलता हुआ बहुड़ी बाजार में ठीक है 3 रन ज्ञानेश्वर सत्यम के लिए और वहां पे नीचे हमारे गेंद को फील्ड कर दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक रन लेने का इसे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन तो शेयर करते रहेगा सभी लोग फॉलो करते रहेगा इंसान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को तो बाई के रूप में ये सिंगल आया है स्कोर जा पहुंचाया 4 रन बिना किसी नुकसान के टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है JBCC बहुता और टॉस जीत कर बल्लेबाजी और जो मैं बता दूं प्रबल दावेदार दर्शक कह रहे थे कि आरएसएस पर पलिया लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है सेमीफाइनल में देवरिया से हार कर बाहर हो गए थे और वहां पे ज्ञानेश्वर प्रबल किस्मती उत्तम चौरसिया जी इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं इलाहाबाद की बड़ी बड़ी टीमों का फाइनेंस करते हैं उत्तम चौरसिया जी
वही टीम है जी। कुछ स्क्वाड में चेंज हुआ है बुमराह, और उस समय यहाँ पे हमारे दादा के बुमराह ने जो इस समय दर्शकों का बूम बूम बुमराह अपने कोटे का पहला मैच का दूसरा ओवर लेकर इस समय स्टेज पे डिफेंडर सत्य, दो बाएं का दास के डेविड वार्नर, छोटे कद के सत्य और मनोज सिंह नहीं लगता बुमराह के लिए, बुमराह किसी को भी, और इस समय बुमराह दर्शक खुश, कितने अच्छे गेंदबाज आईपीएल प्लेयर नुमान का मैच देखते हुए भगोड़ी बाजार में बुमराह, और वहाँ पे बहुत अच्छी गेंद, उतने अच्छे साथ वहाँ पे अंपायर का इशारा, इस तरह से पहला नो आता हुआ फिर इस तरह से इसी तरह के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चुने दे बाबूजान। गेंदबाजी अटैक कंपनी की बहुत टाइट है तो इसके खिलाफ रन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बुमराह दो ओवर की गेंदबाजी में पूरे दम से गेंदबाजी, ये मैच भले पगड़ी बाजार में चल रहा है लेकिन यहाँ पे पोलार्ड भी है, गेल भी है, बुमराह भी है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो नाम के नाम कौन करता है। तो 100 लोग भी जुड़े, 50 लोग भी जुड़े तो मेरे लिए बहुत है, 658 लोग तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कम लोग नहीं है, अगर मेरे पास 10 लोग 20 लोग 50 लोग भी देखते हैं तो वो भी मेरे। और समय जल्दी करें बुमराह स्ट्राइक पे, मनु से बुमराह शेयर करते रहे आप हल्के हल्के कदमों से सलेमपुर दोस्तों, ये पैर तो पार किया, हेलीकॉप्टर चल रहा है और वहां पे गेंद कहीं और बॉल कहीं और विकेट कीपर से वहां पे नीचे सारने, जब तक गेंद को फील करे दोनों बल्लेबाजों के पसमाओं का एक रन लेने का दूसरे क्रम के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पाजी 7 रन इस समय दूसरा ओवर प्रगति पर। तो कन्या देखिए खुला है, नाम ही जब बुमराह है तो काम भी बुमराह वाला ही होगा, और जब टीम में नुमान खान हो तो इस समय आदर जी मैं बता दूं कि सुल्तानपुर के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज बूम बूम बुमराह इस समय अपने कोटे का पहला मैच का दूसरा ओवर लेकर इस टाइम पे सत्य बुमराह हल्के हल्के कदमों से, और मैं बता देना चाहता हूँ विशाल जी आदर जी बुमराह जो एक हफ्ता पहले जो मैच हुआ था जो गाजीपुर में विशाल इलाहाबादी नहीं आए, बुमराह को 3 गेंद में 3 छक्के जड़े थे, वो बात अलग है कि लीग का क्वार्टर मैच इस समय सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा दानिश आपको भी कि आप भी आकाश चोपड़ा से कम नहीं है कि कब आप ऊपर ले जाएंगे गेंदबाज को और कब नीचे ला देंगे। और इस समय बुमराह हल्के हल्के कदमों से, और वहां पे बहुत ही अच्छी गेंद थी, और अदा जी क्रिकेट की बात किया तो जब तक क्रिकेट का इंग्लैंड को कहा जाता है, वर्ल्ड कप की बात किया तो 1975 में वेस्ट इंडीज, 1979 में वेस्ट इंडीज, 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव कप्तानी में, उस समय मेरा फायदा भी नहीं हुआ, तो 1987 में ऑस्ट्रेलिया, 92 में पाकिस्तान, 96 में श्रीलंका, 1999 में 2003 2007 लगातार टीम ऑस्ट्रेलिया, इस गेंद के बाद चार चक्कर में बुमराह से दूर जाते हुए मनु के लिए, और वहां पे मनु ने उठा दिया गेंद से सीमा रेखा पार 6 रन के लिए, दर्शक वो आ चुके 100 रुपए से, एक हाथ में अगर कैच लेते हैं तो आदरणीय तुषार श्रीवास्तव बड़े भैया जो इस समय एसडीओ है कमेटी बॉक्स में उनके तरफ से 100 रुपए का इनाम रखा हुआ है,
तो 2011 दो अप्रैल महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था 2015 में ऑस्ट्रेलिया 2019 में इंग्लैंड। लेकिन अदर जी इंग्लैंड को मैं वर्ल्ड कप नहीं मानता क्योंकि यान बर्गन इस गेम के बाद चर्चा करेंगे अगले गेम बुमराह के मनु के लिए। और आप एक नीचे और आप एक हाथ में कैच मोशन 200 दिए गए होते हैं चेहरा बहुत बेहतरीन सर। अदर जी जो मैं कह रहा हूँ 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था यान बर्गन कप्तानी में, अगर यान बर्गन के लड़के पूछेंगे पापा कितने रन या कितने विकेट से जीते थे तो कहेंगे कि ना चौके से जीते थे, है कि नहीं भैया? ना तो बाबू है तो वो देखा गया यान बर्गन और उनके फैमिली के लोग जाने कि मैं कमेंट कर रहा था ज्योतिराज सिंधिया जी के मैच में जो कि ग्वालियर में खेला गया था, माननीय श्री कैलाशमंद श्री माधवराव जी सिंधिया के स्मृति में वो मैच खेला गया था, उसमें हमारे साथ जो कमेंट्री कर रहे थे शारिक खान उनका नाम था, मैं नाम एकदम बढ़िया याद है। तो जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो उन्होंने बोला था कि आदर्श मैं शादी तभी करता जब इंडिया विश्व कप जीतता, अगर इंडिया विश्व कप नहीं जीता रहता तो मैं शादी भी नहीं करता। बात हो गई कि आप लोग महिर समय ज्ञानेश्वर अपनी टोपी का दूसरा मैच का तीसरा बल्ले का ऊंचाई पे सत्यम ज्ञानेश्वर हल्के हल्के कदमों से और वहां पे लेग साइड में जब तक गेंद को फील्ड करे दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक रन लेने का लेग बैंक के द्वारा इसे का उसको बढ़ता हुआ 21 रन 21 रन तीसरा ओवर प्रगति पर 8-8 ओवर का मैच हो रहा है इस समय दूसरा सेमीफाइनल गाजीपुर बनाम क्षेत्रीय टीम बहुता के बीच। ज्ञानेश्वर हल्के हल्के कदमों से मनु के लिए और वहां पे मनु ने उठा दिया है नीचे जब तक गेंद को फील्ड कर लेता है थोड़ा रन आउट हो सकते थे और दूसरा ले सकते थे इस तरह से आंखों ही आंखों में सरवा और दो रन बहुत अच्छा विकेट के ऊपर मैच जीत चुका है वालेकुम सलाम चलाते हुए दोनों बल्लेबाज तीसरा से उसको 23 रन बिना किसी नुकसान के तीसरा ओवर प्रगति पे और इस समय ज्ञानेश्वर इस टाइप पे मानो विकेट कीपर में बता दो कि नुमान का नाम का मोहताज नहीं नाम नहीं ब्रांड है इस समय विकेट के पीछे ज्ञानेश्वर का अगली गेंद और मनु ने उठा दिया है किसी के और वहां पे एक कसने कैच और वहां पे डायरेक्ट लेते तो 100 रुपए लेकिन 3-4 टप्पे में लिए हैं 100 रुपए से चुके हैं आप। तो अगर देखिए ग्राउंड के अंदर कैच 2 टप्पे 3 टप्पे तो आउट होता है लेकिन अगर आप ले 100 रुपए तुरंत में दे दूंगा दूसरों की मदद से नहीं तो इस तरह से छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन इस समय मनु से काफी मैच खेल चुके हैं इस पिच पे ज्ञानेश्वर मनु लेकिन मनु सिंह ने मना कर दिया अच्छी फील्डिंग कही जाएगी अनस के द्वारा लंगाट के फील्डर इस तरह से एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। मैं विधायक कप होना चाहिए ऐसा होना चाहिए अजानी किरमानी स्पोर्ट्स भाई बताओ उस समय था कि जी शुक्रिया प्रकाश सिंह जी पिछली ये गेंद और इस गेंद को खेला है यही खासियत है मगर थोड़ा सा बेचैन सा दिखाई दे रहा था ये सीमा रेखा के बाहर दिखने में छोटे कटके हैं लेकिन छक्के लंबे लंबे मारते हैं मजा लीजिए बौड़ी प्रीमियर लीग के फाइनल मैच का इसके तुरंत बाद खेला जाएगा देवरिया बेहतरीन सेमीफाइनल मैच जबरदस्त बल्लेबाजी डेविड वार्नर और पोलार्ड के द्वारा पूरे मैच का गेंदबाजी कर रहे हैं जब उनके सामने है बल्लेबाज सत्यम ये गेंद और इस गेंद को खेला है गेंद जा रही है मिड ऑन की दिशा में वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं डीप स्क्वाडले की दिशा में माफ कीजिएगा डीप स्क्वाडले की दिशा में गेंद गई थी तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के 3 ओवर का 37 पे लूज ऑफ नो विकेट जेबीसीसी
बलिया जिले का सबसे बड़ा इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता जिसमें प्रियता टीम को बाइक रखा हुआ दे सकते हैं कमेटी के पास, कमेटी के पास विजेता को 25,000 नगद दिया जाएगा और मेहनत सीरीज 2500 देख सकते हैं। और बुमराह अपने कोटे का दूसरा मैच का चौथा ओवर लेकर और बहुता की तरफ से बहुत अच्छी शुरुआत कही जाएगी, अभी तक कोई भी विकेट का पता नहीं हुआ है बुमराह हाथ से दूर जाते हुए और सत्य में फूटे विजय उधर से जो भी कमेटी छोटे छोटे सदस्य गेंद लाए जो भी कमेटी के छोटे छोटे सदस्य गेंद लाए जल्दी करे गरम पन्नी में पैक बैठ हुई है तो जो विधायक विधायक में एक जब मैं कमेटी कर रहा था तो उसमें नियम था आयोजन समिति की तरफ से कि कोई भी अगर फील्डर को छोड़ के कोई भी दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ता है तो 11,000 रुपए का पुरस्कार और दो हाथ से कैच पकड़ता है तो 5,000 रुपए का पुरस्कार। और जब मैं कमेंटी कर रहा था तो मेरे बगल में एक दूर वाले थे और इसी बीच ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी अपील हो रही है लेकिन अभी भी पैर का इशारा आना बाकी है जोरदार अपील यहाँ पे लेकिन अभी भी आपस में विचार विमर्श हो रहे हैं दोनों एम्पायर जो भी फैसला आएगा दोनों एम्पायर बहुत अच्छे हैं। अभी श्रीवास्तव गुरु जी सेकंड एम्पायर पंडा इशारा नहीं करना है इशारा करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा विवाद बढ़ जाएगा ना आपके आगे पीछे सब देख रहे हैं आपको। अभी भी एम्पायर का इशारा आना बाकी है और नॉट आउट का इशारा उत्साह में ज्यादा हुई थी विश्वास में कम एम्पायर का इशारा नॉट आउट बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजारा भी पेश किया था नुमान ने। अरे तो मोबाइल गर्म हो जाए अपना खाती ना मोबाइल मैच में कुछ भी हो सकता है कोई भी टीम जीत सकती है आप ये ना भूलें कि 2003 की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश भी किया था सलमान मिर्जा अपना मैच हार चुके हैं तो मैच में कोई भी भविष्यवाणी करना कि कौन सी टीम मजबूत है। अरे आलम जी वालेकुम सलाम सर बढ़िया है आप बताइए बहुत देर बाद जुड़े रोमांचक मैच आप लोगों से मजबूत है लेकिन क्रिकेट में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। ओए होए और बहुत लंबा तो बुमराह अच्छी खासी इस समय पूछ करते हुए बल्लेबाज सत्यम मुन्ना बल्लेबाजी कर रहे थे सत्यम आप देख भाल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे जेबीसीसी जिला देवरिया नाम ही काफी है दबंगों का शहर जिला देवरिया दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजी ने सिर्फ 3 रन बना दिए 49 रन बनाए हैं ये बात है और मैं बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट हिट अगर डायरेक्ट रन आउट करते हैं तो 500 रुपए हैट्रिक छक्का करते हैं तो 200 रुपए और जो भी दर्शक एक ऐसे कैच लेता है तो 100 रुपए हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए मेडल ओवर पे 500 रुपए बड़े भैया आदरणीय तुषार श्रीवास्तव जी की तरफ से जो इस समय कमेटी बैक से मैच का मैच का लुत्फ उठाते हुए अगर कोई भी फील्डर डायरेक्ट थ्रो पे रन करता है तो उसको 500 रुपए हैट्रिक छक्के पे 200 एक ऐसे जो भी कैच लेता है तो 100 रुपए हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए मेडल ओवर पे 500 रुपए तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे किसान क्रिकेटर सलेमपुर की भी जो एक तरह से इस मैच को पूरे धूप में बैठ के लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। दिलशान आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और आप फेसबुक पेज पे भी जाके दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर जीत गई सलेमपुर भाई जीत गई करें आप अपने फेसबुक पे फेसबुक खोले फेसबुक पे लिखे दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत के या देश के किसी भी कोने में है तो आप दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर से देख सकते हैं। फील्डरों के लिए सुनहरा मौका चौथा ओवर प्रगति पे 49 रन बना चुकी है 20 साफ से रन बनाएगी तो छक्के पे 200 रुपए शोर बनना चाहिए यहाँ पे 7 अप्रैल दर्शक जो भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं कहते कैच लेते हैं तो 100 रुपए हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए मेडल ओवर पे 500 रुपए आदरणीय तुषार श्रीवास्तव बड़े भैया और जी जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे इस टूर्नामेंट में अभिनव चित्रांश गोलू भैया का नीरज पांडे जी का और कुछ ही पल में उनका आगमन होगा और राजेश वर्मा जो 11,000 रुपए दिए है हमारे इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद इस समय मैच का लुत्फ उठाते हुए सत्यम जो देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर टीम
छक्के के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं सत्यम, बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज उनके सामने हैं। और इस समय बुमराह इस टाइप सत्यम बिना गेंद के एक और एक एक्स्ट्रा सिंगल। इस तरह से दोनों सलामी बल्लेबाज क्षेत्रीय टीम बहुता के इस समय क्रीज पे आने वाले बैट्समैन, बता दो कि नवीन तेंदुलकर भी है जो गेंदबाजी बहुत ही अच्छा करते हैं, वो भी नजर आएंगे। और इस समय बुमराह बुम बुम बुमराह अगली गेंद और जीवन में मिलता हुआ बिल्डिंग पहले से ही कमजोर है, बुमराह को नहीं जाना चाहिए था। दो प्लेयर खुद दौड़ रहे थे, पहले इधर से संतुलन थे, उधर से प्रफुल्ल थे, पर बुमराह खुद गेंद के पास गए, इसका नुकसान हुआ कैच बुमराह के द्वारा। बुमराह इस समय अपने कोटे का ये आखिरी ओवर और अपने टीम की तरफ से भी आखिरी ओवर लेकर आया है। कमेंटेटर एंड बाप्सी 6-6 12-3 15 रन खर्च कर चुके हैं बुमराह अभी तक। उसका मुकाबला फाइनल में देवरिया से होगा, काफी महंगे साबित हुए हैं ऐसी दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, क्योंकि ऐसा सोचा नहीं जा सकता। बाबूजान जहां भी हो, दर्शक जो है ग्राउंड में, 8 ओवर का मैच हो रहा है, दर्शक जो भी है बाहर हो गए। प्रगति में 29 रन खर्च कर चुके हैं बुमराह। 6 ओवर का मैच है, इसको 2 ओवर और कन्वर्ट किया गया, बढ़ाया गया, 8 ओवर का भी यह मैच खेला जाएगा। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जेबीसीसी बहुता के टीम की भी, कि अभी तक उन्होंने एक और उलट फेर हो सकता है इस मैच में। बाजे ने सत्यम और मन्नू सिंह ने तो 14 गेंदों में 30 रन खर्च कर चुके हैं बुमराह अभी तक। बुमराह की गेंदबाजी में देखा नहीं गया है बुमराह करते हुए, बुमराह का लाइन बनारस नहीं है भाई। लेकिन इस समय बुमराह इस ओवर की अगली गेंद आपको बता देना चाहता हूँ कि बूम बूम बुमराह डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, ये बुमराह नहीं जो इंटरनेशनल प्लेयर एक साल से दूर है, आईपीएल से भी बाहर है, मुंबई इंडियंस के और भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बूम बूम बुमराह। और इस समय टेनिस के बूम बूम बुमराह सुल्तानपुर के इस समय पगड़ी बाजार में, अरे भाई अंधेरा हो जाएगा नुमान भाई, बॉलिंग करते हुए अंधेरा होने लगेगा लास्ट वाले मैच। मैचों फाइनल में दिक्कत होने लगी, दुनिया के इकलौते हैं राजू बाहर, राजू बाबू जानू को बाहर कर दो, सब क्लियरिटी है खराब, दुनिया के इकलौते एक बात है जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में जो 3 गेंद 3 विकेट, यह एक ऐसा रिकॉर्ड है अदर जी जो टूट नहीं सकता, क्योंकि टेस्ट में पहले ओवर के 3 गेंद 3 विकेट। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेस्ट में पाली गेंद पे छक्का चलने वाले दुनिया के का एकमात्र बल्लेबाज 37 रन खर्च किए हैं 2 ओवर में। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप रिकॉर्ड की बात किए तो चार्ल्स बेनरमैन जो थे वो दुनिया के इकलौते और पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने 1877 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पहला इंटरनेशनल छक्का भी जड़ा था। चार्ल्स बेनरमैन जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे, इंग्लैंड के खिलाफ वो छक्का जड़ा था। और अगर जी मैं बता दूं कि आपको कौन सा ऐसा फील्डर है जो कोई पसंद लाए अंतिम 11 में नहीं था लेकिन फील्डिंग करके आए, फील्डिंग करने आए और 58 रन स्कोर किया है। अहमद आए पर कोटे का पहला इस समय आज अंदर के आन मान शान इस समय। और अदा जी आपको बता दूं कि श्रीलंका के शर्मिंदा दुनिया के इकलौते ऐसे मात्र गेंदबाज है जिन्होंने अपने टेस्ट वनडे और टी20
कि अपने डेब्यू के पहले ओवर में सफलताएं हासिल की है वो है भाई गेंदबाज शर्मिंदा एरंगा, दुनिया के इकलौते गेंदबाज जिन्होंने अपने पहले ओवर में एक एक सफलताएं हासिल की है। जब उन्होंने डेब्यू किया था टेस्ट में तो पहले ओवर में विकेट प्राप्त किया, वनडे जब खेला तो पहले ओवर में विकेट प्राप्त किया, जब 2020 खेला तो पहले ओवर में विकेट प्राप्त किया। अहमद हलकल के कदमों से इंपायर को पार किया और मनु का हेलीकॉप्टर नीचे जाता गेंद को फील्ड करे। अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी बहुता के दोनों सलामी बल्लेबाज जो इस समय दोनों सलामी बल्लेबाज गाजीपुर के खिलाफ अच्छी शुरुआत कही जाएगी। स्कोर इस तरह से 59 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के जेबीसीसी बहुता की टीम का स्कोर बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों के द्वारा। अहमद हलकल के कदमों से सत्यम के लिए और बहुत अच्छी पहले बताता था जी आजमगढ़ के अरमान शान अहमद जो अपने स्कोर के पहले ओवर में दूसरी गेंद पर सफलता करते हुए उस तरह से पारा भी करके जेबीसीसी बहुता का। और अब पहली सफलता हासिल किया यहाँ पे अहमद ने और जेबीसीसी का स्कोर है इस समय। भोजपुरिया स्पोर्ट्स का नंबर नहीं है, जावेद को फोन कीजिए उनसे ले लीजिए। नुकसान पे पानी रुका क्या नाम भैया नाम। और अगर आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो एक और रिकॉर्ड सुन लीजिए T20 में सर्विस सर्वोच्च स्कोर व्यक्तिगत स्कोर जो है बैडन मैक्रम का है जिन्होंने 58 गेंदों में 123 रनों की पारी खेली थी जिसमें 11 चौके और 7 छक्के लगाए थे और न्यूजीलैंड ने यह मैच जो था 59 रन से जीता था सन 2012 में। तो क्रिकेट में एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड होते हैं और जो रिकॉर्ड बनते हैं वही टूटते भी हैं। भाई कहां चले गए थे, जबरदस्त मैच हुआ था, अपनी टीम जीत चुकी है। और बिट्टू जाया भी हो जिला पंचायत सदस्य रामविलास जी जो गाड़ी के पास आ जाए अगली गेंद और वहां पे उठा दिया है गेंद 6 रन फुल टॉस और शॉर्ट पिच गेंद में बहुत रन बने। स्कोर जा पहुंचा छक्के की मदद से। क्या नाम भैया नाम नुमान भैया नाम पूछिए। 65 रन 1 विकेट के नुकसान पे अभी बढ़ेगा भाई टेंशन ना लीजिए, अभी रन हम स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं अभी। ये गेंद और विंड सिंगर और गेंद कैसी देवी के कीपर के दस्तानों में काफी शानदार मुकाबला इस समय चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गाजीपुर बनाम जेबीसीसी बहुता के बीच। अहमद इस ओवर की अगली गेंद और आप ही कम से काफी ज्यादा बाहर वर्ल्ड बॉल का इशारा इंपायर के द्वारा काफी अनुभवी इंपायर है इस मैच के बहुत ही ज्यादा अनुभव है इनको 182 मैचों का अनुभव है इनके पास। और दर्शकों की तारीफ करनी पड़ेगी दानिश भैया कि इतनी दूर से आए हैं इतनी तेज धूप में आए हैं लेकिन दर्शक तक चमक नहीं हुए हैं। इस ओवर की अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद थी इसको स्विंग कराया और गेंद जैसी देवी विकेट कीपर नुमान खान के हाथों में। नुमान अपने आप में बेहतरीन प्लेयर है उत्तर प्रदेश की तरफ से जो कि बल्लेबाजी में इनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। नुमान की बल्लेबाजी मैंने देखी थी आत्माराम पांडे स्मारक क्रिकेट पर टोटा में जब इन्होंने छक्के लगा के सुपर ओवर में मैच को पहुंचाया था और फाइनल भी जिताया था। ये गेंद खतरा उसकी भी खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पे गेंद हुआ लेकिन कोशिश जरूर की थी यहाँ पे रन जा रहा है दो रन दे रहा है। स्कोर जा पहुंचा भाई 68 रन 1 विकेट के नुकसान पे जबकि पारी का ये कैच
पांच ओवर कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे। भैया सिक्स था भैया, इससे पहले वाला सिक्स था। पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर, पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 68 रन। ना करें 20 टाली, उतना गर्मी नहीं है इस समय, जल्दी करें मैच को स्टार्ट कीजिए, जल्दी करें। पानी मत ले जा, ले जा पानी मत ले। अरे अंपायर के तो लेके जा, मर दे मैच चालू रख लो। पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 68 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तीन ओवरों का खेल और शेष 18 गेंदों का ये बीसीसी बहुटा की टीम कितना स्कोर कर पाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ये गेंद और इस गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, पहले भाप लिया था, अंतिम समय में दिशा बदल दी और गेंद को दो खिलाड़ियों के बीच में से कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए पहुंचाया। स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से 72 रन 1 विकेट के नुकसान पे। केबीसीसी बहुटा की टीम का स्कोर। ए मेरे भाई बाइक वाले, इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेल उसके नीचे कौन है बाउंस जा रहा है सर, बहुत आगे निकल रहा है। सन्नी अपने दम पर अकेले जिता देगा नुमान एंड कंपनी को। अब ये तो भाई समय क्रिकेट के साथ पता चलेगा। ये हम कहा जानते हैं छोटा है बड़ा है, बॉलर हो ना, बॉलर तो नहीं है बस छोटा। आपका चाहिए तुम्हें 80 मीटर बाउंड्री चाहिए का पागल कर दिए। कौन आया धन्यवाद ने राहुल। ये गेंद और इस गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है लांगा पे, दिशा में लांगा पे खिलाड़ी मौजूद थे। नाम नहीं पता है भाई, नाम पूरा क्या पहुंचा है इस सिंगल की मदद से भाई। सेवेंटी थ्री हो चुका है 2 विकेट के नुकसान, 73 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद अभी 2 ओवर आना शेष है तो 100 के आसपास जसवंत सिंह जी सामान नहीं है। ये गेंद खेलना जरूर चाहते थे बालर केसर के ऊपर से, रन जरूर लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पे खुद मना ना निकाले गेंद बल्लेबाज को। अभी भी इसको रुका हुआ केबीसीसी बहुटा की टीम का 73 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अरे मेरे भाई थोड़ा सा गेंद रखें ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को निकाला है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक और गेंद चली सीधे हवाई यात्रा पे बिना किसी टिकट के 6 रनों के लिए। कई लाजवाब कमाल छक्का यहाँ पे लगता हुआ बल्लेबाज के द्वारा। सीरियस कप इलाहाबाद खेले हैं भाई, और इस समय देख सकते हैं कि हरियाणा के चीफ गेस्ट नीरज पांडे प्रो प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस समय दौड़ी के प्रधान रजत वर्मा जी मजापुर से करते हुए इस समय और
मैच का विलंब ना करें, जल्दी करें, मैच लेट ना करें। चार बज गया है यार, बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ देर से आए हुए दर्शकों को एक बार मैं पुनः हार्दिक स्वागत भाई बजाओ मत यार। देर से आए हुए दर्शकों का एक बार मैं पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गाजीपुर और जेबीसीसी बहुता के बीच खेला जाता हुआ, जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला फाइनल में आज ही इस मैच के तुरंत बाद देवरिया से होगा। मैं यहां पे उपस्थित सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। अहमद इस ओवर की अगली गेंद और खेलते आज के थी गंदी गेंद कहीं नसीहत, वाह वाह वाह, 6 रनों के लिए गेंद को निकाला है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। और कमेटी का जब भी छोटे छोटे सदस्य गेंद को लाए तो इस तरह से मोनू शकील के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन छक्का हमने खेलेंगे सर, कहां के प्लेइंग 11 में नहीं है। 3 छक्के लगा चुके हैं अभी तक मोनू शकील, स्कोर अभी भी है जेबी जेबीसीसी बहुता की टीम का 86 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। इधर की पारी का अकबर भी नहीं है भाई, अकबर नहीं है। 7वां ओवर फेंका जाता हुआ 10 नंबर की जर्सी पहने हुए आम अहमद, वाह भाई वाह, गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, गेंद थी भाई, भाग्यशाली भी रहे, भाग्यशाली भी रहे कि इस गेंद पे वो छक्के नहीं पिटाए। स्लो डिलीवरी यहाँ पे फेंक दी थी तैराकी से अहमद ने, ये है काबिलियत अहमद की। अहमद कटर भी कराते हैं, विंग सिंह आउट सिंह दोनों की ये बादशाह है इस समय गाजीपुर की तरफ से खेलते हुए। ये गेंद अरविंद डेड बॉल का इशारा यहाँ पे, कुछ ज्यादा इनकी गेंद जो थी उसे निकल गई थी। भैया आप समय का भी ध्यान रखें क्योंकि इसके बाद भी यहाँ पे मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट में कोई भी अगर फ्री नो बॉल होगा तो जिसको फ्री हिट माना जाएगा, लेकिन बहुता की बल्लेबाजी ये भी सीसी बहुता के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज सत्य की पारी खेल के यहाँ के दर्शकों का दिल जीत लिया। मैच कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन दिल जरूर जीता अपने बल्लेबाजी से जेबीसीसी बहुता के प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। विकेट कीपर के अलावा कोई खिलाड़ी स्लिप नहीं, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे, एक खिलाड़ी मिड विकेट सीमा रेखा पे, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे, एक खिलाड़ी है फाइल लेग पे। इसके बाद एक ओवर और बाहर, स्कोर जा पहुंचा है 93 रन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जेबीसीसी बहुता की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचती हुई। अहमद स्लो डिलीवरी यहां पे नुमान चुके और आगे जारी थर्ड मैन की दिशा में। ओवर की भी समाप्ति यहां पे 1 रन, माफ कीजिएगा 1 रन यहां पे पूरे किए। स्कोर जा पहुंचा है 7वां ओवर फेंका जा रहा है अहमद के द्वारा, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 94 रन। इसके बाद एक ओवर का खेल और शेष है, 24 रन बना पाना इतना आसान थोड़ा नहीं है। 120 नुमान से आज बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, 8 गेंदें शेष रह गए हैं। अहमद 10 नंबर की जर्सी पहने हुए काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी, ये गेंद और आप सबसे काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा पार के द्वारा। गेंद ने काफी सेक लिया और गेंद सीधे और टप्पा पड़ने के साथ मिली लिखम पे टप्पा पड़ने के बाद गेंद आप एकदम से काफी ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा इन पार के द्वारा। कहां कुछ काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ मानते आज के इस मैच के मुख्य अतिथि मैच का भरपूर आनंद लेते हुए। राजू बाबू कुछ नहीं खाया अभी यार, कुछ खाने को मौका ही नहीं। इसी बार की अगली गेंद भूख भी मर गई है, ऐसा ऐसा मैच हुआ।
और बहुत ही बढ़िया गेंद थी। अहमद की यही तो खासियत है, अहमद के पास हर तरह की गेंद है। सस्पेंस में चल रहा है, स्लो डिलीवरी भी रखे हैं, स्विंग भी कराते हैं, ऑफ कटर भी कराते हैं, लेग कटर भी कराते हैं। अभी आपके पास कमेंट आ जाएगा सोनू भगत का, देखिए अहमद काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है बल्लेबाजी यहाँ पे जेबीसीसी बहुता की टीम का स्कोर जो पहुंचा है इसी छक्के की मदद से। जो इससे पहले मैच खेला गया था बलिया बनाम देवरिया के बीच, देवरिया ने सेमीफाइनल में हरा कर पहले ही फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित कर चुकी है और गाजीपुर और क्षेत्रीय टीम में जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल में। और इस तरह से पहले इनिंग का सेमीफाइनल का पहले इनिंग का अपने कोटे का दूसरा मैच का अठारह बजे का एक साल ही क्रिकेट यहाँ पहुंचे हैं। मुझे याद है कि मैं दो साल पहले आया था बगड़ी बाजार में, तब पिछले साल मैच नहीं हुआ था, जबकि उसके पिछले साल जो मैच हुआ था उसमें बलिया की टीम और देवरिया से मुकाबला खेला गया था। लेकिन इसी बीच ये गेंद विकेट कीपर चुके हैं और गेंद जा रही है सीधे थर्ड मैन की मारे के बाहर, चार रनों के लिए वाइड बॉल का भी जो रन चाहिए था वो बोर्ड पे लग चुके हैं, तो आठवां प्रगति पर उसको 100 रन पार हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी गाजीपुर को और विकेट के पीछे आप देख सकते हैं कि आईपीएल प्लेयर नुमान खान जो मुंबई इंडियंस की तरफ से 2008 में 25 लाख में चुने गए थे, इस समय बहुड़ी बाजार में जिले में पहली बार और बहुड़ी बाजार में दूसरी बार इस समय जर्सी नंबर 10 में और सिलेंडर अपने कोटे का दूसरा मैच का। बोलिए मैं आपको बता दूं कि जो मैच खेला गया था 2021 में जब मैं पहली बार अपने लाइफ में पहली बार बगड़ी बाजार में आया था, उससे मैं देवरिया बनाम बलिया के बीच मैच खेला गया था जिसमें बलिया की टीम ने देवरिया को रोमांचक हुए फाइनल मुकाबले में जीत हराया था। लेकिन उस मुकाबले में भी गाजीपुर के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे। ये गेंद हवा में है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे और इसी के साथ आउट हो गए। तीसरा झटका लगता हुआ जेबीसीसी बहुजन की टीम का 106 पे लॉस ऑफ 3 विकेट। टुडे द सेकंड सेमीफाइनल गाजीपुर 1 का टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फॉर 7th ओवर प्रोग्रेस बाय नाउ 106 पे लूज ऑफ 106 रन और विकेट के नुकसान पे। इस समय मंच पे फाइनल के मुख्य अतिथि जो इस समय सेमीफाइनल चल रहा है और जल्दी करे विलंब ना करे आप लोग क्योंकि इसके बाद फाइनल मैच भी होगा। और इस समय बौड़ी के प्रधान जी रजेश वर्मा जी और हरदिया के पूर्व प्रधान नीरज पांडे जी जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हर साल और उनके साथ गुड्डू कनौजिया जी वर्तमान प्रधान हरदिया, बड़े भैया तुषार श्रीवास्तव SDO जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस समय कमेटी बक्स में अरुण बाबा उठाते हुए सलेंदर अगली गेंद और आप हवा में गेंद 3 फील्डरों के बीच में रनों में जाता दूसरा चाहते थे माना किए तो तुरंत इसके बाद जेबीसीसी के कैप्टन गांगुली तुरंत क्षेत्र चल लग जाएंगे जैसे ही ओवर खत्म होगा और इसके बाद तुरंत फाइनल मैच होगा। इस समय दर्शक जो सुबह से धूप में बैठकर 8-10 हजार इस समय दर्शक मैदान के चारों तरफ मैच का लुत्फ उठाते हुए बलिया जिले का सबसे बड़ा इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता में और नीचे कोई गलती नहीं था, जो भी दर्शक अगर एक हाथ से कैच लेता है तो 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और जिसमें इस तरह से मैं बता देना चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, आउट सीन आप दे सकते हैं। तो विजेता टीम को जो बाइक रखा हुआ है कमेटी बॉक्स के पास दे सकते हैं, टाली पर बाइक खड़ा है चमचमाता हुआ 4 फुट लंबा 3 फुट उपविजेता का कप, उपविजेता को 25,000 नगद दिया जाएगा और मैंने तो सिर्फ 2501 रुपए बसवाड़े के पास जो भी दर्शक हर जाए कमेटी के सोनू जाते हुए जो सुबह से ही बहुत टाइट है। दानिश भैया मन पे उपस्थित माननीय श्री मुख्य अतिथि माननीय श्री नीरज पांडे जी जो की पूर्व प्रधान हरदिया के, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ।
ये गेंद कोशिश जरूर की थी यहाँ पे, लेकिन भाग्य मंजीत सिंह होता हाथ उठा दे, चंकी चंकी होता हाथ उठा दे, धन्यवाद एकादश के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज चंकी सिंह। मंच पे विराट मान माननीय श्री नीरज पांडे जी, पुरप्रधान हरदिया और इस समय बगड़ी के ग्राम प्रधान माननीय श्री राजेश वर्मा जी, मैच का भरपूर आनंद लेते हुए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आप इतनी तो तुरंत क्षेत्ररक्षण लग जाएंगे बहुता कैप्टन गांगुली, जैसे ही दो गेंद होगा तुरंत क्षेत्ररक्षण लग जाएंगे क्योंकि इसके बाद फाइनल मैच होगा। सलेंडर कगली के और वहां पे उधर जो भी दर्शकों गेंद को लाते बहुत ही बेहतरीन सर, गेंद सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। भाई आपने लग रहा है कि कैच भी पकड़ा एक हाथ से, आकर 100 रुपए ले ले तुरंत कमेटी बॉक्स में। भाई आपका कैच वाकई कमाल का कैच है, आप जो भी दर्शक अगर एक हाथ से कैच लिए हैं तो बड़े बड़े सोचा कर तुरंत ले ले। पोलार्ड ने ही कैच पकड़ा था, पोलार्ड आज तो मानो आज क्रिकेट की ग्राउंड के अंदर और बाहर, आप तो देवरिया वाले हैं भैया, मैं भी देवरिया के ही हूँ, देवरिया के गुरु जो आपको ये पेट्रोल खिला रहे तो बड़े भैया तुषार श्रीवास्तव 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे बड़े भैया की तरफ सुबह से रखा हुआ है, जो भी अगर दर्शक एक हाथ से कैच लेता है तो 100 रुपए का तो हो गया काम भर गया, क्या एक और उलटफेर देखने को मिलेगा। पोलार्ड आत्मानो क्षेत्र चला गया जल्दी, ट्रेन पर जीत है 122 121 रनों का बना कर 122 रन का लक्ष्य दिया, जल्दी से क्षेत्र अच्छा लग जाए। गेंद गई उधर बागीचे की तरफ, कमेटी का संजय लगा भेड़ चाहे, मैं दर्शकों का एक बार पुनः अपने आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं और मंच पे विराजमान मान और उधर गेंद गई है लेफ्ट साइड में, संजय कमेटी के जो भी छोटे सदस्य बारी में से गेंद को लाए और नंबर यार सामने चारों तरफ दिखाई दे रहा है आपको, आप फिर भी नंबर मांग रहे हैं, जो भी दर्शक बैठे हैं चारों तरफ जो मेरा लोगो लगा है सबके नंबर है, पांडे जी पुर प्रधान हरदिया और पोस्टर पे नंबर है मेरा जो देख सकते हैं, आपका जो वीडियो देख रहे हैं उसके लोगो पे भी मेरा नंबर है दिखाई दे रहा होगा, मैं चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा हूँ। हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ अपने आयोजन समिति के अध्यक्ष चलने आलम और दानिश की तरफ से, मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज का ये दिन का ये तीसरा मुकाबला और मैच का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, इस मैच के बाद जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला फाइनल में इस मैच के तुरंत बाद देवरिया से होगा। देवरिया पहले स्थान हासिल कर चुका है, पिछली बार की उनकी जीता थी, देखते हैं कि क्या इस बार यहाँ भी जीता ट्रॉफी उठाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। यहाँ पहले ही लगा रहा दो दिन तक, और मैच स्टार्ट किया सर, अरे जबरदस्ती कहीं नहीं हुई दिन को, ठीक तो रन बना ना, तो ठीक बना ले रहा पूरा पट्टी वट्टी लगा के बैठी कर रही ना, रन ठीक है कहीं इनके खेला ही ना 10 साल खेलावल जाला इसन को लेकिन जो ना बढ़िया खेला, जल्दी करे जल्दी सूरज कुमार जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी इसीलिए तो कट नहीं किया है, तुरंत ये मैच पूरी एक ही इनिंग में दिखा दें, सोच रहा था कट कर दूँ मगर एक ही इनिंग में सोच रहा हूँ दिखा दूँ पूरा का पूरा मैच, ये उसके बाद से आपको अगला इनिंग जो है दिखाया जाएगा कट करके एक पूरा मैच को फाइनल को, अंधेरा हो जाएगा तो लाइव देखने का मज़ा नहीं आएगा ये पहले बता दें। गाजीपुर को 48 गेंदों में 122 रन चाहिए, क्या एक और उलटफेर दिखाई देगा भाई, तो हम भी कह रहे हैं भाई कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू ही है सर, कंटिन्यू है, टेंशन ना लीजिए। कुछ करिश्माई गेंदबाजी दिख रही है, नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो हो सकता है कि एक और उलटफेर देखने को मिल जाए, अभी आपने एक बड़ा उलटफेर देखा, इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार में गिनी जा रही थी RS स्पोर्ट्स बलिया,
को विक्की इलेवन सलेमपुर के बल्लेबाजों ने जबरदस्त, वो भी डेविड वार्नर और पोलार्ड ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके, जिस गेंदबाज का डर था बाबू का कटर गेंदबाजी अपनी गेंदबाजी से मैच को फंसा लेंगे, और उसी में पोलार्ड ने तनातन दो छक्के लगाए। नहीं भैया अंपायर को दीजिए, तो थोड़ा सा लेकिन पीछे रख लिए हम स्कोरिंग करेंगे। ना अंपायर के तो भैया मैच को स्टार्ट करें जल्दी। रहमत कहाँ गया? तो मैच को स्टार्ट करें भाई, क्या कमेंट है भाई आपका मोहम्मद शाकिल। और गाजीपुर के कैप्टन अपना दोनों सलामी बल्लेबाज भेजे, जल्दी करें क्योंकि इसके बाद फाइनल मैच होगा और फाइनल के चीफ गेस्ट जो नीरज पांडे पूर्व प्रधान के साथ वर्तमान प्रधान हरदिया गुड्डू कनौजिया जी, अरुण बाबा साथ में राजेश वर्मा जी, वर्तमान प्रधान बहुड़ी जो फाइनल के चीफ गेस्ट होंगे, और इस समय दोनों सलामी बल्लेबाज आप ही बता दीजिए मौसी खन्ना जी कि कौन मैच जिताया है। मऊ के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज सनी यादव, मैं बता दूं कि ये मैच कौन जिताया उसका भी नाम ले लेते हैं। दोनों ने अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी किए थे, जो मैंने जो मैच जिताएगा उसी का नाम लिया जाएगा भाई, जो 2501 रुपए है। और इस समय मैंने लगता है कौन है कौन नहीं है उससे मतलब नहीं है, जो मैच जिताएगा उसी का नाम लिया जाएगा। जल्दी करें जल्दी, और जो भी कमेटी के थोड़े थोड़े सदस्य हैं, बॉलर कौन है बॉलर, जो भी छोटे छोटे कमेटी सदस्य हैं, भोला जितेंद्र बीजे सभी लोग हाथ के तरफ रहेंगे। और मैच को स्टार्ट करें, और समय मैच को स्टार्ट करें मनु सिंह गेंदबाज रहे, मनु भैया मिथिलेश, और मिथिलेश अपने कोटे का पाला मैच का पाला बल्ले का दूसरे इनिंग का 123 पर जीता है पाजी, 22 पे ठीक है, 8 ओवर में 122, जो जीतेगा सीधे फाइनल में, देवरिया पहले ही फाइनल पर जगह सुनिश्चित कर चुकी है। और इस समय राहुल कोबरा क्रिकेट दुनिया का बेताज बादशाह, तेरे पूर्वांचल छोटा पैक बड़ा धमाका, इस टाइम पे राहुल कोबरा मिथिलेश इस समय जल्दी करे, मिथिलेश हल्का लगे कदमों से राहुल के लिए, और राहुल ने नीचे चंकी जत्ता गेंद को फिर करो यहाँ पे। अरे सर जी कुछ खाने होने के लिए भेजिए सर, क्या भूखे रहेंगे कहा दिन भर, आज ब्रेड भेजिए चाहे पकौड़ी भेजिए। और इस तरह से खाता खुलता हुआ के साथ, और कमेटी के जितने भी छोटे छोटे सदस्य हैं बीजे संजय सभी लोग पोकर हाथों की तरफ रहेंगे। इस तरह से 121 बनाकर 122 रनों का लक्ष्य दिया है गाजीपुर को, और उस समय मिथिलेश इस टाइप पे सनी अगली के, और वहां पे रन लेना चाहते थे मना किया, तो बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा ये भी सेमीफाइनल। दर्शकों से मैं बता दूं कि जो सुबह मैच खेला गया था बलिया बनाम देवरिया के बीच, बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ था जिसमें रोमांच मैच में देवरिया ने बलिया को हरा कर पहले ही अपना जगह फाइनल में सुनिश्चित कर चुकी है। मुश्किल है भाई, और समय 8 ओवर का फाइनल हो पाना नामुमकिन है, अब 5 से 6 ओवर का फाइनल कराना पड़ेगा। गेंद जला के दिए हैं दोटे उनको, दोटे आपको, मैच चलने दीजिए, दोटे उनको गेंद चला गया था, दोटे आप लोगों को, उसके बाद जो गेंद दिया पुरानी विलंब ना करे गुरुजी, अरे विलंब करेंगे तो ओवर काट दिया जाएगा, रन भी काट दिया जाएगा। अरे दो जलाल का गेंद वाला चले, लोग डिस्कस कर रहे
अरे जलल मिले रहा दोनों तुम लोग के दोनों जलल दिया रहा मैचवा रोकवा झूठो फाइनल में जा तो गड़बड़ा जाए पहुंचाओ फाइनल में के जला के दिया गया था और इस समय मिथिलेश टाइप सनी मिथिलेश हलकल के कदमों से और सनी जहां से खत्म किए थे वहीं से चालू शुरू किए लीग क्वार्टर में। मैं बता दूं कि हमारे स्कूल धर्मेंद्र वर्मा बता रहे कि सीरीज में सबसे आगे है सनी इस समय जो बहुत ही बेहतरीन और मैं बता दूं कि एक शिक्षक है हनुमान जो बल्लेबाजी कर रहे हैं जो पूर्वांचल के बेहतरीन ऑलराउंडर अगली गेंद और इस तरह से रनों में जा पाई एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। तो कुछ छुपे रुस्तम दिखाई दे रहे हैं बहुता में जो कि जिसका नाम सकल चेहरे से आप नहीं पहचानेंगे मगर कुछ नए खिलाड़ी नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं और कुछ अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुल टॉस गेंद और इस बल्लेबाज को तो ऑफर है कर फेंकने आ रहा है तो फुल टॉस बन रही है हाथे में गेंद गई है पहले देवरिया वाले मैच में भी देवरिया के बाद में बहुत फुल टॉस फेंकी है। नेक्स्ट साइड में जो गेंद गई है संजय तो इस तरह से राहुल कोबरा क्रिकेट दुनिया का बेताज बादशाह मिथिलेश की अगली गेंद और राहुल बड़ा विकेट गिरता हुआ और नेक्स्ट जो गेंद का ये संजय गेंद नहीं आई देख ले तो इस तरह से पहला विकेट का पतन होता हुआ अब राहुल कोबरा के आउट होने के बाद आईपीएल प्लेयर नुमान का कैप्टन गाजीपुर जिनके कंधों पे काफी जिम्मेदारी मोहम्मद अली दिलशान के लिए था दिशारी जल्दी करें पानी ले आवा पढ़िए छींग ले तो नुमान आईपीएल प्लेयर आ चुके हैं ग्राउंड पर मैच करें आप लोग दूसरे ले लीजिएगा इनके बाद क्यों विलंब कर रहे हैं और इस समय मैं बता दूं कि बलिया जिले के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मनु जॉनसन इस समय भैया एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा ये जो नामकरण है ये तो मैं आज पहली बार ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जॉनसन भी है और पोलार्ड भी है जी अदर जी मैं बता दूं कि और दिलशान जो है हमारे लाइव स्कोरिंग भी कर रहे हैं और पोलार्ड भी है गांगुली भी है तेंदुलकर भी है वाकई कमाल लाजवाब है बगड़ी वाले आपको सभी लोगों को देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे और इस समय अदर जी मनु जॉनसन मैं बता दूं कि बलिया जिला के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है इस समय स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे आईपीएल प्लेयर नुमान जर्सी नंबर 10 में मेसी फुटबॉल के किंग जर्सी नंबर 10 सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट जर्सी नंबर 10 और नुमान का टेनिस के बाद था जर्सी नंबर 10 और इस समय मनु स्ट्राइक पे सनी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मनु जॉनसन हलकल के कदमों से और यहाँ पे आप इधर से काफी ज्यादा बार तो व्हाइट इस तरह से इस व्हाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्टिप लगा है ठीक है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इस समय आप यूट्यूब और एपी पे घर बैठे देख सकते हैं या इस मैच का मैं बता दूं
के हाईलाइट भी देख सकते हैं। लाइव क्रिकेट चलता हुआ दिशान क्रिकेटर सलेमपुर विकेट के पीछे मनु जानसा हल्का हल्के शनि के लिए और शनि ने कमाल लाजवाब छक्का यहाँ पे मारा है। इसको निकाला था अब अंदाज में वीरेंद्र सहवाग की आज दिलादी पगड़ी बाजार में और इसको निकाला छह रनों के लिए। आधार जी इसको क्रिकेटिंग सा बहुत ही बेहतरीन सा शनि के द्वारा। अगर आप जॉनसन की तुलना करेंगे तो यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग की भी तुलना कीजिए कि लाजवाब छक्का मारा है वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में। इस ओवर क्या कीजिए और इस गेंद को खेला है ये जारी है। ओहो हो वाह वाह कमाल लाजवाब छक्का यहाँ पे मारा है। शमी ने इस टूर्नामेंट में 18 छक्के लगा चुके हैं। मैं पहले बताया था कि शमी गुरु जी जो सीरीज क्लब में सबसे आगे है बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर शनि यादव मनु के लिए। और यहाँ पे देखिए मनु जॉनसन ने जूस विकेट की दरकार थी दो गेंद दो छक्के जमने के बाद आउट हो गए। भैया यही तो क्रिकेट है कि बन में क्या होगा। अभी तक दो गेंदों में दो छक्के मारे थे तीसरे छक्के के लिए जरूर जाना चाहते थे लेकिन गेंद ने स्विंग किया और बल्ले का बाहरी किनारा लिया। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और एक बेहतरीन कैच पकड़ के दूसरा झटका दिया है और बहुत ही करारा झटका गाजीपुर को लगता हुआ। स्कोर है गाजीपुर का कृष्णा 11 गाजीपुर का 26 रन दो विकेट के नुकसान पे। और मैच में कोई भी भविष्यवाणी करना दानिश खतरे खाली नहीं है। आप कैसे भूल सकते हैं 2014 में चटगांव बांग्लादेश में मुकाबला खेला गया था भारत बनाम बांग्लादेश के बीच जिसमें भारत पहले बल्ले और जो दर्शक उधर कैच लिया आके 100 रुपए ले ले। आओ इधर आओ और आ जाए बेलासड़ी के जो एक हाथ से कैच लिए थे 100 रुपए का योगदान जाता हुआ बड़े भैया आदरणीय तुषार श्रीवास्तव जी को हाथों से चले। जॉनसन इस ओवर की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए ये गेंद और इस गेंद को खेला है खासी का लपेटा और चढ़ दिया गेंद की दरमियान भाई आ जाओ आपके पेट्रोल का खर्चा भी निकल गया। और उधर रिजवान तरसा से आए मैच देखने के लिए एक ऐसे कैच लेते हुए उनको भी 100 रुपए जाता हुआ। ये है कि आप मैच देख रहे हैं आपके पेट्रोल का खर्चा भी निकल गया जो परसरा से आए मैच देखने की लगली गए। और यहाँ पे कई तरह से इसी ओवर में दो जो दर्शक एक बेलासड़ी से आए थे आ जाए और एक परसरा से रिजवान को 100 रुपए जाता हुआ बड़े भैया आदरणीय तुषार श्रीवास्तव जीओ की तरफ से जो सुबह से रखा हुआ है फाइनल तक चलेगा। मनु जॉनसन अगली गेंद और यहां पे नीचे बल्लेबाज ने मैं ये बात सुबह भी कर रहा था मुशायब नाम मुसैद दस्तानी का उठने के बाद मुसैद और जाएंगे स्ट्राइक पे। अभी भी एक भी गेंद नहीं खेला आईपीएल प्लेयर नुमान का दर्शक काफी उत्सुक जो नुमान का बैटिंग देखने के लिए काफी दूर दूर से सले के नौ के भी कुछ लड़के आए हैं नुमान का बैटिंग देखने के लिए। और इस समय अभी भी नॉन स्ट्राइक पे नुमान पाजी स्कोर 33। तो इस तरह से दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन गाजीपुर का दो विकेट के नुकसान पे 122 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय दर्शक चारों तरफ बातें हैं मैच का लुत्फ उठाते हुए जिले के सबसे बड़ा इनामी बलियार मऊ सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट पीएमपी का महामुकाबला जिसमें विजेता टीम को बाइक रखा हुआ है उप विजेता को 25,000 नगद। और इस समय मिथिलेश हल्कल के कदमों से मुस्तैद के लिए और यहाँ पे कैप्टन माना चाहते थे छोटी से भी विश्वास का उत्साह ज्यादा हमारे एम्पायर मिश्रा तो गुरु जी पर जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी के जो जर्सी नंबर 7 है उन्हीं के कैप्टन कूल के फेवरेट है जो गुरु जी के फेवरेट है जर्सी नंबर 7 में एम्पायरिंग करते और
जो मिथिलेश हल्के हल्के कदमों से मुस्तैद के लिए और मुस्तैद उठा दिया है नीचे ₹500 और जो भी दर्शक एक हाथ से कैच लेता है तो ₹100। तीन दर्शक ले चुके हैं, ₹300 उनको जा चुका है। हैट्रिक विकेट पे 500, जो गेंदबाज मैदान पर दिखता है तो 500। बड़े भैया अब सामना करेंगे नुमान खान। नुमान इस ओवर की अगली गेंद नुमान के लिए। ये गेंद का चांस था, आसान नहीं होता दर्जी, आसान नहीं होता है, हर चांस का आ जाएगा। तो इस तरह से स्कोर अभी रुका हुआ 34 रन दो विकेट के नुकसान पे 34 पे लॉस ऑफ 2 विकेट। और आप ये जाने की कोई भी मैच हो, किसी भी टीमों का मैच हो या किसी भी देशों का मैच हो, कोई भी भविष्यवाणी करना खतरों से खाली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2014 में मुकाबला खेला गया था भारत बनाम बांग्लादेश के बीच। ये गेंद और इस गेंद को हल्के हाथों से नुमान ने खेला है, पॉइंट की दिशा में तेजी से दौड़ के 1 रन पूरा किया। तो चटगांव में जो मैच हुआ था उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 105 रन बनाए थे और उसमें तस्कीन अहमद ने 5 सफलताएं हासिल की थी और उन्होंने मिम्स बना के महेंद्र सिंह धोनी का गला भी काट के एक मिम्स में दिखाया गया था। तो उनको लग रहा था, बांग्लादेशियों को लग रहा था इस मैच को हमने जीत लिया है। ये गेंद और एक मौका है बड़ा था यहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी के लिए, लेकिन गेंद हजार जी ये कैच कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो मैं बता दूं कि कहा जाता है कैच छोड़ो मैच छोड़ो, और इस तरह से क्या कहेंगे आप लोग, और इस तरह को उलट-पलट देख रहे हैं क्या सभी आप लोग। 105 रन बनाए थे और 106 रन बनाना था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश का पहला विकेट गिरा था 25 रन के स्कोर पे और पूरी टीम बांग्लादेश की ऑल आउट हो गई थी 55 रनों के स्कोर पे। और ये सब तभी संभव हो पाया था जब महेंद्र सिंह धोनी भी थे और 4 रन देकर 6 सफलताएं हासिल की थी स्टीवर्ट बिन्नी ने। तो मैच में कुछ भी हो सकता है, कोई टीम कमजोर नहीं होती है। अगर आप इस मैच में दोहरे शतक भी, पिछले मैच में आपने दोहरे शतक भी बनाए हो तो आज के मैच में आपको फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। जी हाँ जी सही बात है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बुरहान का कहावत है बिना लोटा का प्रेमी है। ये तरह मिथिलेश इस समय नुमान के लिए हमसे दूर जाते हुए और नुमान ने उठा दिया है लेग साइड के प्लेयर पर गेंद को फील्ड करे, दोनों बल्लेबाजों के पसंदों का छोर बदलने का और इस रंग के साथ स्कोर बढ़ता हुआ और तीसरा बार के समाप्ति के बाद जो ये भी है दानिश की तब तक नुमान है तब तक विजय है। अदा जी मैच अभी रोमांच की तरफ जाता हुआ, अगर यह 100 मैच होने के मौके कप्तानों चाहूंगा कृपया आप विशेष समय का ध्यान रखें क्योंकि इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मना करे जल्दी करे क्योंकि इस समय 4:21 हो चुके हैं। जाता है नंबर स्कोर अभी भी रुका हुआ है कृष्णा 11 गाजीपुर का 38 रन 2 विकेट के नुकसान से जबकि ओवर नंबर समाप्त हुआ है। अमित भैया मैच को स्टार्ट किया जाए, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 38 रन, जीतने के लिए 100 और जबरदस्त जलवा दिखाया था, जो लोग मैच को नहीं देख पाएंगे वो यूट्यूब पे जाकर उस मैच को देखेंगे। कृपया आप समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आप दोनों में से कोई एक टीम जरूर फाइनल में पहुंचेगी। नुमान के लिए वहां पे सिंह के फील्डर को फर मर के भेजते हुए मनु तीस गेंदे संभवतः 102 रन चाहिए, 102 रन। कौन जीतेगा आज का ये मुकाबला? नहीं 102 रन चाहिए 10 रन माफ कीजिएगा सॉरी ठीक है। और नुमान ने नीचे तेल मनुष्य ने बहुत अच्छी खेली अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए
29 गेंदों में 83 रन चाहिए जीत के लिए। के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 29 गेंदों में 83 रन 173 रन चाहिए आपकी मैथमेटिक जो है इंटर मैच आपने कहां से किया था ये जरूर बता के जाएंगे। तो इस तरह से 83 रन चाहिए अगर ये मैच जीत रहा है तो इस ओवर के बाद 4 वर्सेस यानी कि हर ओवर में 15 या 20 रन 2 छक्के। ये लोग आप कमेंट कीजिए लेफ्ट लेटर नहीं जाएगा भाई अच्छा बल्लेबाज साहब इसी पे सब टीम डिपेंड है। और उधर गांगुली जब तक गेंद को फील्ड करे दोनों बल्लेबाजों को बस्मों का एक रन लेने का और वहां पे तो इस तरह से आवाज एक रन से काम नहीं चलेगा। अगर ये मैच जीत रहा है गाजीपुर को तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चौकों और छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी। और अगर मैच जीत रहा है जेबीसी क्षेत्रीय टीम को तो विकेट और डॉट गेम जी आजाद पठान जी देख रहा हूँ मैं सर देख रहा हूँ वन के चल रहा है जी देख रहा हूँ हमसे दूर जाते हुए संघर्ष करते हुए और अनस कुछ अपने बल्लेबाजों को टिप्स देने के लिए देर ना करे एकदम जल्दी 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 करें एकदम जल्दी मानो हमसे दूर जाते हुए मुस्तैद के लिए और वहां पे आप करते थोड़ा सवाल इस तरह से वाइट स्कोर में बढ़ता हुआ 42 रन 27 बॉल 80 रन अब तो मैच बहुत दूर जा रहा है 20 का एवरेज चढ़ चुका है। ये मुसाहब है भाई कह छोड़ोगे तो उसका नुकसान तो झेलना ही है। छब्बीस पे 74 चाहिए अब यहाँ से जीत के लिए। छब्बीस गेंदों पे 74 रन चाहिए तो बहुत लोग कम कमेंट कर रहे हैं नुमान भाई के बारे में। छब्बीस गेंद 73 रन 26 गेंदों में 73 चाहिए कुछ भी हो सकता है मैच में 26 गेंदों में 73 चाहिए। ये तो खराब गेंद थी ये तो मैच आप दे रहे हैं अब यहाँ से बहुत 25 गेंद में 67 रन चाहिए जीत के लिए। समय पे बल्लेबाजी देखने को मिलेगी आप लोग को नुमान शेख की। ये लीजिए एक और छक्का तो मैच आ गया वापस मुसाहब ने पूरे मैच का रुख बदल दिया। मैच का रोमांच और दर्शकों का रोमांच सब बंधा हुआ है इस वक्त एकदम सारा का सारा फंस चुका है मैच। मामले की गंभीरता को देखकर कमेंट करने आए थे अपना बैंक पहले आप सभी ने मोर्चा संभाल ला के इसलिए वापस जा रहा हूँ। वापस नहीं जाइए कमेंट कीजिए आप भी जुड़िए दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब से और मजा लीजिए क्रिकेट का। किला और सिखवा आप अपने पास रखिए जो जिसकी दुश्मनी जिसकी दोस्ती वो अपने पास रखिए इस पेज से जुड़िए और सभी प्यार बनाइए। मुकेश
स्कोर अभी भी रुका हुआ है, 61 है, 61 पांचवा प्रगति पॉइंट। मकसूद लाला जी वालेकुम सलाम सर, कई बार आपका कमेंट आया पर देख नहीं पाया, जवाब नहीं देता उसके लिए माफी चाहूंगा मकसूद लाला जी। और ये लीजिए नुमान का पॉइंट के ऊपर से छक्का, बहुत देर से लोग वेट कर रहे थे नुमान की बल्लेबाजी का, एक और छक्का यहां पे लगता हुआ कमर से मारेगा के बाहर, ये है नुमान था, ये कहां छोड़ने वाले हैं। नुमान शेख का पहला छक्का, छक्के की तरफ से 66 रन, जब क्रिकते हैं नुमान खान इस बार 55 रन, तो एक उम्मीद क्रॉस द लाइन खेलने गए थे नुमान खान, रवि बनारस के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे, आप इन दोनों की जो साझेदारी थी समझ लीजिए 25 गेंदों में 67 रन बने हैं। और यहां से अब देखिए भोपाल और 22 गेंदों में 55 रन बनाने हैं, क्या होगा मैच का रुख कहां जाएगा। भाई क्लियर चल रहा है सर, आप क्लियर देखिए, ये देखिए पंच खड़े खड़े पंच कमाल की बल्लेबाजी, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, अगर नुमान खान छक्के लगाते हैं तो कोई अंत नहीं होता, उसी के बेटी मान लीजिए 102 मीटर लंबा छक्का नुमान खान के बल्ले से, क्योंकि माहौल गर्म होने वाला है। अब मैच पहुंच गया 50-50, या तो कहेंगे आप माइन एंड कंपनी की तरफ से आ चुका है 70-60% और 40% आ चुका है, और इसी तरह की गेंदबाजी होती रही, बल्लेबाजी का कमाल इसी तरह चलता रहा। ये लीजिए नुमान के बल्ले से एक और छक्का, जितनी तारीफ की जाए नुमान खान का उतना ही कम, तीनों शॉट में दो शॉट जो लगे हैं बस पंच के द्वारा छक्का लगाया गया, एक शॉट में परफेक्ट शॉट लगाया गया था, लेकिन सारे शॉट पर लेनर की तरफ पंच किया गया। जो भी कमेटी के जोर से दस का गेंद रहा पोखरे की तरफ से पीछे, नेक्स्ट बॉल 43 और इसमें सेंटर में गेंद गई है, और उस समय नुमान बॉल 43 रन हाल के लिए कर्मो, और नुमान ने किस तरह से रन पर जा पाई इस तरह के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन, 42 रन चाहिए इस ओवर के बाद 3 ओवर से, और इस समय जर्सी नंबर 10 में आईपीएल प्लेयर नुमान खान बहुरी बाजार में दर्शकों का मनोरंजन कराते हुए बहुत ही बेहतरीन बैटिंग नुमान खान। सर ऐसे ही कोई लेदर का आईपीएल में चयन हो जाना है यार, मुस्तैद सबसे ज्यादा बैटिंग के दौर में, बैटिंग जब जब एक समय था सबसे ज्यादा सीरीज होना बाई के नुमान के अलावा किसी और वहां पे मुस्तैद माना चाहते थे। इस तरह सोबर की समाप्ति, तो पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 80 रन, अभी मैच 50-50 पे रुका हुआ है, गाजीपुर को अगर ये मैच जीतना है तो 10 गेंद 23 रन और 11 गेंद 28 रन, मैच रोमांच की तरफ जाता हुआ। और विलंब ना करें अमित यादव, गेंद उधर गई है पीछे पोखरे की तरफ से लाए जो भी प्रदूषण कमेटी के सदस्य है, गेंद गई है पानी में इसी गेंद खड़ी है जल्दी कीजिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया शेख खली जी अपडेट देने के लिए, बतौर बॉलर के लिए चयन हुआ था इनका। तो नए गेंदबाज आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ है 122 पर जीता है, 42 रन चाहिए, अरे यार कुंदा का यार अभी फाइनल है अमित भैया, साहिल आजमी सऊदी से मैच को देख रहे हैं, शुक्रिया सभी लोग शेयर करते रहे, फॉलो करते रहे इंसान क्रिकेट सर यूट्यूब चैनल को। पांच बजे स्टार्ट होगा फाइनल भाई, और समय नवीन स्टाइल पे नुमान 18 गेंद 42 रन, देर ना करे नवीन अपने कोटे का पहला मैच का छवा भर लेगा हर तरह के कदमों से, और आप
लीड को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं होगा, ये जान जाइएगा। अभी इन मैच के रूप किधर भी पलट सकते हैं। 17 गेंद 41 मार भी खा सकते हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं। सैफुल्ला अंसारी शौदी से इस मैच को देखा, शुक्रिया सर। सभी लोग जुड़े रहिए और शेयर और फॉलो करते रहिए मैच का। ये लिए छक्का, ये तो भाई सीधे तालाब में छक्का। पोखरे में गिर गए जितेंद्र, तो इस तरह से जल्दी करें और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तो इसको 85-87 ठीक है, स्कोर 87 रन। तो अब जीत के लिए 16 गेंद 35 रन चाहिए, 16 गेंद 35 रन। कुछ इसी तरह का मैच देवरिया का भी हुआ था, इसी तरह का मैच सीआरपीएफ गाजीपुर का भी होता। फुल टॉस गेम, शॉट, प्लेयर वन और गोल सही है। 4 नवीन तेंदुलकर का इस ओवर में एक पाला चौका, एक 3 गेंद में 10 रन दे चुके हैं। तो इन रनों में जाता इस चौके के साथ स्कोर बढ़ते हुए 91 रन 22 में 31 रन चाहिए अगर ये मैच जीत रहा है। तो शेरशाह देख रहा है, शुक्रिया सर, जुड़े रहिए आप सभी लोग, फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए दिलशान क्रिकेट सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। और इस तरह से नवीन इस साइड पे ये बात न कर रहा था कि नवीन मौके में मत दीजिए और मैच हो गया खत्म। स्कोर बढ़ता हुआ अजी कैंपस से दम ठान दे कितना 24 रन चाहिए इस ओवर के बाद। मैं बता दूं कि दो ओवर से 24 रन चाहिए। आप उनका रन अप देख सकते हैं इस वक्त, अब वो पैर से देखते हैं कि मुस्तैद फायदा उठा पाता है या नहीं। तो लाखों बार प्रीमियर लीग में आप जुड़ेंगे आप सभी लोगों से और आज से या कल से यानी कि 12 तारीख से हो सकता है मिर्जापुर से आपको होली मिलन कप दिखाया जाएगा जहां पे एक पल्सर और एक टीवीएस कप है। तो अभी बात चल रही है, जैसे ही कोई खबर आती है। चुके तो इस तरह से मैं बता दूं कि स्कोर है 94 रन चाहिए अगर मैच जीत रहा है। तो एक मैच आया है 3 लाख वाला, उसको लाइव चलाना है, अभी उसकी भी बात चल रही है। जैसे ही टीम फाइनल होती है आपको मैच देखने को मिलेगा। और एक टीम जो फाइनल है वो है लाखों पार प्रीमियर लीग। और वहां पे और इस मैच का आपको देखा और सुने और लाइव टेलीकास्ट देखें। अंधेरा बढ़ता जाएगा तो क्लियरिटी थोड़ी कम होती जाएगी भाई। जबरदस्त मुशायब ने बल्लेबाजी की है, पूरे मैच का रुख ही बदल दिया मुशायब। लेकिन मैंने भी देखा कि तेंदुलकर जो थे खिलाड़ियों का एक दिन होता है
लेकिन तेंदुलकर बिना सूट पहने ही ये मैच खेल रहे थे। ओके जी, और नुमान करे तो पांच स्कोर 11, यानी कि 11 रन और चाहिए 17 ओवर प्रगति पर। इस समय मुस्ताहिद अंदमा और दवरिया कैप्टन तुरंत अपना छत्र चलने के लाइन पर जाएंगे। कमेटी का अध्यक्ष साले आलम, मैच के मुख्य अतिथि नीरज पांडे जो फाइनल के चीफ गेस्ट मैच को उद्घाटन करेंगे। और इस तरह से नीचे रहते पीली करे दोनों बल्लेबाजों के पास मौका एक रन लेने का। स्कोर बढ़ता हुआ 112, 10 रन चाहिए। बल्लेबाजी ने तो जीत के लिए 9 चाहिए। और जो भी तुरंत आप लाइन अप हो जाएंगे और जो टीम जीतेगी शेयर करते रहेगा दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। और ये बल्ले का फिर से किनारा लेकर पहुंची और मैच इस समय मैं बता दूं कि दादाजी बोलिए कितना गेंद कितना रन। 7 रन चाहिए 7 गेंद में। 7 बॉलें अगर ये मैच जीत रहा है तो। और गाजीपुर के अंदर हो जाएंगे फाइनल खेला जाएगा। जुड़िए 5 मिनट के ब्रेक के बाद। शुक्रिया सलेमपुर के बीच गाजीपुर सलेमपुर।